महाराष्ट्र की दो स्पेशल स्नैक रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं, तीखा तीखा ठेचा पाव और हर किसी का फेवरेट बॉम्बे सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। ठेचा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तवे पर पहले से पका हुआ मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। वैसे इस रेसिपी में सिर्फ हरी मिर्च ऐड होती है, पर मैं 10 से 15 मिर्च के साथ एक एक हरी और लाल मोटी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे भून लेंगे। हल्का भुन जाने पर 7 से 8 गार्लिक इसमें ऐड कर लेंगे और इन्हें भी हल्का हल्का भुनने देंगे। जब रंग आ जाए तब हरा धनिया और नमक ऐड कर देंगे। ज्यादा कुक नहीं करना है, 1 मिनट में ही धनिया भी श्रिंक हो जाएगा। तभी इसमें पहले से रोस्टेड पीनट्स हम ऐड करेंगे और फिर हर एक चीज अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सचर आपको चाहिए तो हाथों से या इमाम दस्ते में पीस सकते हैं, नहीं तो मिक्सी जार में ऐड करके पल्स मोड पर सिर्फ 1 से 2 बार घुमाना है। हमें ठेचा दरदरा चाहिए इस तरह का। अब लड़ी पाव लेंगे और बीच से स्लाइस कर लेंगे। इसके ऊपर ठेचा मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। याद रखिए ये बहुत तीखा होता है, तो आप अपने हिसाब अनुसार ही स्प्रेड करिए। उसके ऊपर चीज को स्प्रेड करके अच्छे से कवर कर लीजिए। अब सेम तवे पर हम बंद गैस पर ही बटर और ठेचा अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर गैस जलाकर लो फ्लेम पर हल्का सा सिजल होने देंगे। उसके बाद ही पाव हम तवे पर रख लेंगे। हल्का सा ऊपर से चीज और डालकर इसे दोनों तरफ से कुक करेंगे। ठेचा पाव एकदम रेडी है। तीखा खाने वालों को ये डिश 100% बहुत पसंद आएगी। अब बॉम्बे सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड बीट, टमाटर, प्याज और खीरा लेंगे और स्लाइस करके रख लेंगे। फिर एक ब्रेड स्लाइस पर बटर और हरी चटनी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर आलू एंड बीट के स्लाइस को रख लेंगे। अब ऊपर से नमक और सैंडविच मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। फिर उसके ऊपर एक और ब्रेड स्लाइस रखेंगे बटर एंड चटनी लगाकर। उसके ऊपर प्याज, टमाटर और खीरे की एक एक लेयर लगा देंगे। एंड थोड़ा और सैंडविच मसाला स्प्रिंकल करेंगे। फिर उसके ऊपर थोड़ा चीज स्प्रेड करके फाइनल ब्रेड से कवर करेंगे बटर एंड चटनी स्प्रेड करके। अब सबसे ऊपर बटर लगाकर अब इसे टोस्ट करेंगे। उसके लिए लो फ्लेम पर ग्रिल पैन में बटर वाले साइड को नीचे रखकर पहले हल्का रेडिश ब्राउन होने तक टोस्ट करेंगे। फिर ऊपर वाली साइड पर बटर को हम स्प्रेड करेंगे और स्पैचुला से थोड़ा प्रेस करेंगे। फिर आराम से सैंडविच को फ्लिप कर देंगे। कुक हो जाने पर इसे नाइफ से 2 पीसेस में कट कर लेंगे। बॉम्बे सैंडविच इज रेडी। दोनों ही रेसिपी बनाने में बहुत आसान है एंड टेस्ट में बहुत ही डिलीशियस है एंड डिफरेंट है। तो अगर ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
एंड लाइक एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।